कमेंट में वो भी आपको लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के किस टॉपिक पर आपको चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से जो है हम आपको वो टॉपिक पर आधारित वीडियो अवेलेबल करके देंगे, जिसके कारण आपके स्टडी में जितनी भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो वो सारी के सारी डिफिकल्टीज रिमूव करना, उनको सॉल्व आउट करना पॉसिबल हो जाएगा। और इसके कारण आपकी होने वाली या जो भी चल रही आपकी एग्जाम से उसमें अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने के लिए वीडियो आपको अच्छी तरह से मदद करेगी। ओके चलो, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो आज हमें सीखना है, क्या सीखना है? देखो हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस का। टेंस क्या होते हैं, उसके कितने सब टाइप्स होते हैं, उनके फॉर्मूलेज क्या है, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि पास्ट टेंस के जो 4 सब टाइप्स होते हैं उसमें किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया जाता है। प्रेजेंट के जो 4 सब टाइप्स होते हैं उसमें सेंटेंस किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया जाता है, और एक ही सेंटेंस किस प्रकार से क्या ऐड करके क्या हटा के हम 4 अलग अलग प्रकार के सब टाइप्स में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से जो फ्यूचर टेंस है, जो थर्ड वन टाइप ऑफ टेंस है, उसके भी हमने कुछ एग्जांपल सीखे हैं, उसका भी वीडियो है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कोई तो भी एक एग्जांपल है उसको किस प्रकार से हम 12 डिफरेंट टाइप्स से या फिर 12 डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहला रहेगा, सबसे पहला आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, उसका टेंस कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, ठीक है, आई रोट ए पैराग्राफ। आई रोट अ पैराग्राफ, ये सेंटेंस है। तो इन ब्रैकेट इंस्ट्रक्शन आई हुई है, पूछा गया है, कहा गया है आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस मतलब ये जो गिवन सेंटेंस है ये किस टेंस का एग्जांपल, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई अच्छी तरह से होना चाहिए, इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीखा है। पहले 2 वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सो आई रोट अ पैराग्राफ, कौन सा टेंस है? ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट का मैंने सेकंड फॉर्म या फिर हमने जो है सेकंड फॉर्म यूज किया है, राइट और रोट रिटन। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, आंसरिंग में लिखना है यहाँ पे क्या, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट रहेगा चेंज द टेंस। चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस मतलब दिया हुआ जो सेंटेंस है वो किसी ना किसी एक टेंस का होगा, अब उसको हमें दूसरे टेंस में बदलना है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, शी फिनिशेस हर वर्क। शी फिनिशेस हर वर्क, ये जो सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल दो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल दो। दैट मींस चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो ये जो है शी फिनिशेस हर वर्क, इस दिए हुए सेंटेंस को हमें इस टेंस का एग्जांपल बनाना है या फिर इस टेंस में बदलना है। तो इसका आंसर कैसे रहेगा, अगर ओरली में बताऊं कैसा रहेगा इसका आंसर? शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, ये रहेगा इस सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे आंसरिंग करना। और आगे चलते हैं, ये रहेगा आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस, इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब फॉर्म ऑफ न्यू वर्ब मतलब क्या होता है? देखो एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, he had watched movie, he had watched movie, ये है सेंटेंस दिया हुआ। अब ये नहीं कहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस, ये भी नहीं कहा गया है कि चेंज द टेंस। क्या कहा गया है? व्हाट इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर इन द ब्रैकेट, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब ही इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में जो वर्ब यूज किया हुआ है उसका फॉर्म हमें ढूंढकर लिखना है, उसका फॉर्म हमें ढूंढकर लिखना है। तो कौन सा वर्ब हम फोकस करेंगे? अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा, क्योंकि सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी भी दिख रहा है, मेन वर्ब भी दिख रहा है। ऑक्सिलरी है हैड, मेन वर्ब है ये वास्ट। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ, ये है वास्ट, इसका फॉर्म है कौन सा? अब सेंटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस वन मेन वर्ब वॉच, ये जो वॉच ये मेन वर्ब होता है, इट इज यूज्ड इन इट्स थर्ड फॉर्म, वो तीसरे फॉर्म में यूज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हैड वॉच। ठीक है, हैड वॉच ये थर्ड फॉर्म में यूज किया हुआ है, लेकिन थर्ड फॉर्म में तभी गया जब हैड लगा है। हैड को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये जो वॉच रहेगा ये सेकंड फॉर्म रहेगा। ऑक्सिलरी को कंसीडर करते हैं, किया है, एंड दैट्स व्हाई हमें पता चला या फिर हमने सोचा कि ये थर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये ओनली एंड ओनली वाज यही वर्ब नहीं रहेगा। हमारे आंसर में होना चाहिए हैड वाज, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे, फॉर्म कैसे देखो कैसा लिखेंगे इसके, इस क्वेश्चन का आंसर, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ही हैड वाज्ड मूवी, हैड वाज्ड ये हमारा वर्ब है और फॉर्म ऑफ वर्ब ये रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये रहेगा इसका आंसर। पास्ट परफेक्ट टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ये और ठीक इसी से मिलता जुलता और एक प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, एग्जैक्टली यही आंसरिंग करेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पूछने का जो ढंग है थोड़ा सा बदल दिया गया है। पैटर्न इज डिफरेंट देन दिस वन बट इट इज आल्सो हैविंग द सेम आंसर। देखो कैसे रहेगा, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ब, अंडरलाइन वर्ब। सेंटेंस का कोई ना कोई हिस्सा या फिर सेंटेंस में वो एक सिंगल वर्ड या फिर दो तीन वर्ड अंडरलाइन किए हुए रहेंगे, और पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ब है, इसका टेंस पहचानो। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि गिवन सेंटेंस का टेंस पहचानो, क्वेश्चन क्या है, जो अंडरलाइन वर्ब है उसका टेंस पहचानो। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या, हमने तो सीखा है टेंस का, सेंटेंस का टेंस होता है, सेंटेंस का ही टेंस बदलता है, यह वर्ब का टेंस मतलब क्या है? यह वर्ब का टेंस मतलब ही सेंटेंस का टेंस होता है। सेंटेंस का टेंस बदलते मीन्स व्हाट, हम क्या करते हैं? Nothing but just we are changing the form of verbs. Verbs का form बदल गया तो automatically tense of the given sentence are also changed. Simple way. तो यहाँ पे example लेते हैं. She will send a letter. She will send a letter. She will send a letter. और अंडरलाइन किया हुआ है will send, will send. She will send a letter. Will send इसको अंडरलाइन किया हुआ है और यही तो हमारा वर्ब है। आंसरिंग कैसे करेंगे इसको? आंसरिंग ऐसे करेंगे will send, अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे लिखना है और सामने लिखना है, क्या लिखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस ये रहेगा इस अंडरलाइन किए हुए वर्ब का के आधार पर इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें तो दो ही पता है, चेंज द टेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। लेकिन उसके अलावा ये भी अलग प्रकार होते हैं, इनके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनके जैसे भी इंस्ट्रक्शन होती है इन ब्रैकेट में कि ऐसा ऐसा करो करके। अगर हमें पता है तो हम इनके आंसरिंग कर सकते हैं, अगर हमें पता नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या एक्सपेक्ट करता है आंसर ये हमारे से क्वेश्चन का, तो फिर कैसे आंसरिंग करेंगे। पॉसिबल नहीं होता है कि सेंटेंस जो है ना एक ही टेंस का किस प्रकार से 12 अलग अलग सेंटेंसेस में या फिर टेंस में बदला जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सरिता opens door. सरिता opens door. सरिता opens door. तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हुआ है इसके लिए, और साथ में वहां पे कोई भी ऑक्सिलरीज नहीं है। सेंटेंस टेंस वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसका जब मेन फॉर्म यूज किया जाता है, बेस फॉर्म यूज किया जाता है, तो उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता नहीं है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Whenever first form of the main verb is used, whenever main verb is used in its main form, in its first form, तो auxiliaries नहीं आता। ये सेंटेंस अगर मैं सिंपल फ्यूचर में लिखता हूं तो उसमें क्या रहेगा, सरिता will shall, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, वैसे तो मॉडल्स है, चलो ठीक है ऑक्सिलरी के तौर पर इनको यूज किया, इसे मान के चलते। तो विल यहाँ पे क्या आता है, ओपन्स नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ पे ओपन से यहाँ पे ओपन है, बात समझ में आ गया कि ये जो ऑक्सिलरी हमने यूज किया है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, इसका असर इसके ऊपर दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, या फिर ऐसा इधर में नहीं लिखा है, समझ में आ गया। तो जो मेन फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होता है मेन वर्ब का, वो ठीक है ऑक्सिलरी के साथ नहीं आता है। तो कैसे बनेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सरिता, ध्यान दीजिएगा, सरिता इज ओपनिंग, सरिता इज ओपनिंग डोर, सरिता इज ओपनिंग डोर। अब इसी को मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सरिता हैज ओपन, सरिता हैज ओपन डोर, सरिता हैज ओपन डोर, ऐसा बनेगा वो। नेक्स्ट, अगर इसको ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर, सरिता हैज बीन ओपनिंग, सरिता हैज बीन ओपनिंग डोर, हैज बीन ओपनिंग डोर। ये हो गए प्रेजेंट के। अब इसी को कोई भी सेंटेंस हो सकता है, चेंज द टेंस में आ गया, चेंज द टेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है, सरिता हैज बीन ओपनिंग डोर, और पूछा गया इंस्ट्रक्शन है इसको सिंपल पास्ट में बदलो, आता है ना, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम से, एग्जाम हमें टेस्ट करने के लिए, हमारा इवैल्यूएशन करने के लिए, हमारी जो क्वालिटी है, हमारे अंदर का होने वाला दमखम जो है ना उसको चेक करने के लिए ही एग्जाम्स होती है। तो इसीलिए जो है ना उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन अगर आता है चेंज द टेंस में तो इसका सिंपल पास्ट बनाना आना चाहिए, बनाएंगे ना। ये देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा, सरिता, सरिता ओपन, ओपन ठीक है डोर, सरिता ओपन डोर, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी को हमें पास कंटिन्यूअस करना है, सरिता Sarita was opening. Sarita was opening door. ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस was opening. अब इसी को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है. तो Sarita had opened. Sarita had opened door. Sarita had opened door. अब इसी को हमें सिंपल फ्यूचर में बदलना है. इसमें बदलना है सिंपल फ्यूचर में. और सॉरी, इसको पहले अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है. ये पहले पास्ट परफेक्ट. Sarita had been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में has been opening. पास्ट परफेक्ट में had been opening door. तो देखो बनती जा रही बात है, इजी काम. तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम बदलते जाएंगे. अब आगे बारी फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस में कैसे बदलेंगे? सिंपल सी बात है. Sarita will, सिंपल फ्यूचर का टेंस, Sarita will open door. Sarita will open door. फ्यूचर कंटिन्यूअस. Sarita will be opening. Sarita will be opening door. अब इसी को हमें फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है. अरे गाइस इधर आ लो. Sarita will have opened. Sarita will have opened door. अब इसी को हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है. तो ये रहेगा इस प्रकार से एट लास्ट. Sarita will have been opening door. Opening door. तो इस प्रकार से देखो एक ही सेंटेंस था. हमने उस एक ही सेंटेंस को 12 अलग अलग प्रकार के जो हमारे टेंसेस होते हैं उन सब में बहुत ही इजीएस्ट तरीके से बदल दिया है. ये बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए. ऐसा आप हजारों सेंटेंसेस जो है ना बदल सकते हैं, उनके टेंसेस बदल सकते हैं. एग्जाम में आने वाला किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन उसका आंसर जो है ना डेफिनेटली आप लिखने में सक्षम हो गए हो, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो जो है ना आपने अच्छी तरह से देख लिए, जिसके कारण सारे डाउट्स क्लियर हो गए, पूरी तरीके से क्लियर हो गए है. एवरी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है ना अब वो पॉसिबल है आपसे बदलना. इसलिए मैंने प्राइमरी जो प्रिपरेशन होती है टेंस की वो पहले करवा दी, पहले 2 वीडियो में, और फिर उसके ऊपर हम अब प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में. ठीक है, समझा? तो ऐसे होता है एक सेंटेंस का 12 अलग अलग प्रकार के टेंसेस में बदलना. अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की. ठीक, सेकंड एग्जांपल इसी प्रकार से चेंज करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से एंडिंग नहीं, उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के अब चेंज करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि इसके पहले वाला हमने एग्जांपल देखा है. पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब ऐसा नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से, आड़े टेढ़े अलग अलग तरीके से कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना है. एक ही वे से नहीं, दुनिया जिस हिसाब से चलती उस हिसाब से नहीं. दुनिया के अगेंस्ट में चलने वाला इंसान ही आगे बढ़ेगा. एरोप्लेन पता है वो अगेंस्ट ऑफ, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन के अपोजिट में वो फ्लाइंग करता है. इससे क्यों? तभी जाकर उसको स्पीड मिलता है. स्पीड गेन करने के लिए, अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए एरोप्लेन को जरूरी है. उसी प्रकार से उसका मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ेगा, अगेंस्ट ऑफ विंड्स डायरेक्शन, तो ही उसको स्पीड मिलेगी. और जब स्पीड मिलती है वही तो आगे दूसरे कंट्री में लैंड होता है. उसी प्रकार से अपने को भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अगेंस्ट ऑफ विंड्स एनर्जी, अगेंस्ट ऑफ, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी में सक्सेस अचीव करने के लिए फिर जिंदगी को, हमारे लाइफ को स्पीड मिलेगा और फास्टली हम पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना है। तो देखो दूसरा एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड एग्जांपल, माय फ्रेंड विल हैव सॉल्व्ड the test my friend will have solved the test ये है। अब इसको बदलना है अलग अलग टेंसेस में, लेकिन कौन से टेंसेस में बदलना है? एक लिखा हुआ है मतलब हमारे पास 11 चांसेस है कि 11 अलग अलग तरीके से, 11 अलग अलग तरीके से इसको बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जिस टेंस में ये लिखा हुआ है फिर से वही टेंस आ जाए, ऐसी गलती ना हो हमसे। इसीलिए आइडेंटिफाइंग ऑफ द टेंस जरूरी है, वो होना चाहिए, वो जमना चाहिए, वो आना चाहिए। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब जब हम इसको अलग अलग टेंसेस में बदलेंगे तो उस समय में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं बदलना है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज चेंज्ड। अब इसको, ये जो सेंटेंस है ठीक है, अब इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कैसे बदलेगा? ये बदलेगा इस प्रकार से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस माय फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। माय फ्रेंड इज सॉल्विंग टेस्ट। My friend is solving the test. Present continuous. Simple past में बदलना है। My friend solved the test. My friend solved the test. ठीक है, अब इसको simple present में करना है। My friend solves the test. My friend solves the test. अब इसी को हमें past perfect continuous में बदलना है। तो my friend past perfect continuous. My friend had been solving the test. Following the test. अब इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदले? माय फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट हैज रहेगा इसके साथ, हैज सॉल्व्ड द टेस्ट, has solved the test. Simple feature में कैसे लिखेंगे इसको? Simple feature में हम लिखेंगे my friend will solve the test. Solve the test. अब इसको present perfect continuous में बदलना है। देखो पूछने वाले दुनिया भर के, इस प्रकार से मेहनत करना है, इस प्रकार से अपने आप को बिल्डअप करना, तैयार रखना है, तैयार करना है कि पूछने वाला किसी भी प्रकार से पूछने दो टेंस के आधार पर क्वेश्चन। लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आंखें बंद करके इन नैनो सेकंड, इन नो टाइम जो उसका आंसर निकलना चाहिए, लिखना चाहिए या फिर बताना चाहिए, इतनी कैपेसिटी। उल्टा घुमा फिरा के पूरा ऐसा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना है, जिसको करना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो my friend has been solving the test. Solving the test. अब इसको मुझे सिंपल फीचर में बदलना है। सॉरी सिंपल फीचर तो हो गया मेरा, सॉरी फीचर कंटिन्यूअस में करना है। My friend will be solving. My friend will be solving the test. The test. अब इसको मुझे प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे लिखेंगे? My friend will have been solving the test. Solving the test. आगे बात कितनी हो गई? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब और को बैलेंस है और कोई तो भी दो बैलेंस है। टोटल लाके हमने 10 अलग अलग टेंसेस में बदल दिया। अब दो कौन से है? ये है, इसको पास कंटिन्यूअस में करेंगे हम। माय फ्रेंड वाज सॉल्विंग द टेस्ट। वाज सॉल्विंग द टेस्ट और एक बैलेंस पास्ट परफेक्ट। अभी बैलेंस है पास्ट परफेक्ट में वो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि माय फ्रेंड हैड सॉल्व्ड द टेस्ट। हैड सॉल्व्ड द टेस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो बच्चा लोग इस प्रकार से उल्टा पुल्टा सामने वाले जो है ना हमें पागल बनाने के लिए ही रहेंगे, वो पागल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन पागल नहीं बनना है। पूछने के पहले आंसर करना क्या है, इस लेवल तक अगर हमें पहुंचना है कि भाई किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछने दो टेंस के आधार पर, चेंज द टेंस, इसमें बदलो उसमें बदलो किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए बस एक वो फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूले का जो टेबल है उसको बस फिक्स करना है। और कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं उसके तो वीडियो ऑलरेडी दिए हुए है, अपलोडेड है, चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दो वीडियोस की लिंक दी हुई है, देख लेना और तैयार हो जाएगा। बिल्कुल श्योरली वेरी कंफर्म कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग सो कि आप परफेक्ट हो जाओगे। किसी भी प्रकार का टेंस का जो क्वेश्चन रहेगा बड़े आराम से बैठे बैठे ऐसे चलते चलते सोते सोते आप चेंज कर पाओगे। अब हमने जो है ना 2 एग्जांपल्स देखे। इसके पहले वाली वीडियो में जो है ना हमने 2-4 एग्जांपल देखे हैं हर एक टेंस के। पास्ट के 4-2 एग्जांपल देखे हैं, प्रेजेंट के भी देखे हैं, फ्यूचर के भी देखे हैं सिंपल वे में। अब वही सिंपल वे से थोड़ा सा टॉप लेवल पर पहुंच गए और यहाँ पे हमने मिक्सअप तरीके से टेंस के सेंटेंसेस बनाए। लेकिन जितने भी अभी तक टिल दिस टाइम हमने एग्जांपल्स लिए हैं, प्रैक्टिस किए, समझे हैं, चेंज करने की कोशिश की, वो सारे के सारे ऑल दोज वेयर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें देखेंगे सीखना है कि किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं या फिर बनाया जाता है और किस प्रकार से एक निगेटिव सेंटेंस जो है ना 12 अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। नहीं सिखाया जाएगा टेंस के अंडर में, ये नहीं सिखाया जाएगा, आपको सेपरेटली सिखाया जाएगा, सेपरेट वीडियो भी बनेगा। लेकिन टेंस पूछा जा सकता है, टेंस के आधार पर ये क्वेश्चन भी लीगल है, पूछा जा सकता है, पूछना चाहिए, टीचर लोगों ने आपके एग्जाम में देना चाहिए। देखो कि किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। निगेटिव एग्जांपल 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें निगेटिव सेंटेंस तैयार करना है, देखो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपोजिट वर्ड की आवश्यकता होती है, साथ में ऑक्सिलरीज की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सिलरीज के साथ नेगेटिव वर्ड की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक अफर्मेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में बदला जाता है, बदल सकते हैं या फिर हमें बदलना होता है। ठीक है, ऑक्सिलरीज तब जाके वो सेंटेंस नेगेटिव बनता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुझे सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जैसे कि ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा कहते हैं कि ठीक है कि रिया जो है दरवाजा नहीं लगाती, रिया दरवाजा नहीं लगाती, दरवाजा नहीं लगाती, तो फिर कैसे लिखेंगे रिया। ठीक है, अब ऑक्सिलरी चाहिए, प्रेजेंट टेंस, वो कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस में तो हमें पता है ऑक्सिलरीज एम इज आर, इज एम आर लगते हैं कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट में क्या लगेगा। प्रेजेंट में तो हमें पता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वहां पे ऑक्सिलरी होता ही नहीं है, बिल्कुल एग्री। लेकिन जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है हमें, वो भी किस टेंस का, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। या फिर अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, वहां पे भी ऑक्सिलरीज नहीं यूज किया जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो ऑक्सिलरीज के बगैर जो है ना होगा, ऑक्सिलरीज यूज करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसको नेगेटिव में बदला जाएगा बाय यूजिंग व्हाट, ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरीज है, अमीज़ार तो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इस प्रकार से इनमें से लेंगे डू या फिर डज। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, किसके साथ आएगा ये, आई के साथ डू यूज किया जाएगा, वी के साथ भी डू आता है, डे के साथ भी डू आता है, यू के साथ भी डू आता है, और ये नहीं प्लूरल नाउन जो है, प्लूरल नाउन के साथ भी डू आता है, डू डस। अरे बाबा हेल्पिंग, सॉरी ऑक्सिलरी चाहिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिया है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या फिर किसी का नाम, तो उस समय में डस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, डस नॉट क्लोज a door, रिया does not close the door, रिया दरवाजा बंद नहीं करती, बंद नहीं करती। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस का टाइप्स कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नहीं। इसके पहले हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव ही पूछा जाता है, मतलब मान के चलो गलती से मेरे जैसे ने पूछ लिया कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव बना के दिखाओ, तो फिर गड़बड़ी होगी। तो इस एंगल से भी हमें सोचना है, एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वे से भी अपने आप को तैयार रखना है। देखो एग्जाम होती किसके लिए, इंसान को इवेल्युएट करने के लिए कि बापा तुझ्याकडे किती क्वालिटी आहे, दाखव, लई फुटकून राहिला, लई हवेमध्ये उडून राहिला, घे इथं किती आहे तुझी जवानी, किती दादागिरी आहे, किती आहे तुझ्या दमकम, दाखव इथे। त्याच्यासाठी एग्जाम्स असतात। इससे भी आगे और लेके जाऊंगा, बहुत ही डीप में कॉम्पिटेटिव झोन में जाएंगे, त्याच्यामारला काही टेंशन नाही घ्यायचं, 10वी 12वी जाऊ द्या, कॉम्पिटेटिव झोन मध्ये नेऊन टाकतो तुम्हाला। पहिले ये लिख लेते हैं, सो आएगा रिया डज नॉट क्लोज दी डोर, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की वजह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, और प्रेजेंट टेंस के दो ऑक्सिलरीज है, अभी हमने देखे, अभी मैंने बताया डू डज, किसके साथ, इसके साथ ये, उसके साथ वो। उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है हमारे वीडियो में। तो डज नॉट, यहाँ पे देखो डज नॉट, ऑक्सिलरी नेगेटिव वर्ड बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, वो दरवाजा क्लोज नहीं करती। अब इसी को हमें कंटिन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेंगे, ये इस प्रकार से बदलेगा, है चांसेस है टमाटो होने के, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना कंफ्यूजन होते हैं, मिस्टेक करते हैं इधर में, पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना, पहले ये वीडियो देख लो, सीख लो, आप सीख लो। और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन है, उनको देना इस प्रकार के, बोले करके दिखाओ भैया हमें, तुम इस क्लास के पास हो गए हो, इतने 80% लाए, चला इसको चेंज करो, नहीं जमता है क्योंकि इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, सीखा ही नहीं है। एक्चुअली वी डोंट नो हाउ टू चेंज इनटू द नेगेटिव। ये तो इसका हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। रिया इज नॉट क्लोजिंग द डोर। रिया इज नॉट क्लोजिंग द डोर। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नॉट, इसके बाद यहाँ पे डस के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी के बाद। अब इसको मुझे परफेक्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बदलेगा ये? रिया ओके हैज नॉट क्लोज the door. Riya has not closed the door. Has not closed the door. अब इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। अब देखो गड़बड़ किसमें होगी हमारी? गड़बड़ होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं किसमें? जब सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करना होता है, लेकिन किसका? प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो, गड़बड़ी इन तीनों में ही होती है स्टूडेंट के साथ। और वही गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूं। चलो रिया हैज, हमें पता है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? ऑक्सिलरीज परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर, ऑक्सिलरीज ठीक है, ठीक है। और प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इनके बीच में या फिर इस प्रकार के सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जो नॉट है कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे पुट किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स यही पे गड़बड़ कर लेते हैं, यही पे गड़बड़ कर लेते हैं। और यही गड़बड़ी जो है ना उनको सहन करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। मास उसी की वजह से नुकसान होता है हमारा, जब हम वॉइस चेंज करते हैं, जब हम नरेशन चेंज करते हैं, जब अफर्मेटिव टू निगेटिव करते हैं, निगेटिव टू अफर्मेटिव करते हैं, बच्चे यही पे गड़बड़ कर लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में, ठीक है। ऐसी बात हैज बीन नॉट, अरे गलत हो गया बापू, गलत। तो हैज नॉट बीन ऐसे लिखना पड़ेगा, हैज नॉट बीन क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर। बन गई 4 सेंटेंसेस। अरे वाह, जमेगा क्यों नहीं, सब जमा के देता हूं, टेंशन। अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट। रिया सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो निगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें ऑक्सिलरीज कौन सा लिखना है, क्या लिखना है? देखो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो ठीक है, सिंपल पास्ट की मैं बात बता रहा हूँ, जब भी उसको निगेटिव करना है, मतलब एनी सेंटेंस व्हिच इज गिवन इन द सिंपल पास्ट और द एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल पास्ट ठीक है, व्हेन नीड टू चेंज इन निगेटिव। जब उसको निगेटिव करना है तो फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, रिया हो, सिया हो, मैं हूँ, आप हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो। निगेटिव करते समय हमें इस ऑक्सिलरी का यूज करना है, डीड का यूज करना है। उसके बाद वो सेंटेंस जो है किसमें बदलेगा? नेगेटिव में बदलेगा, या फिर वो नेगेटिव में बदलना पॉसिबल होगा। सो रिया डीड नॉट क्लोज द डोर, डीड नॉट क्लोज द डोर। अब हमें पता है, सीखे हैं हम कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए यहाँ पे, तो क्लोजली का मैंने क्लोज्ड ईडी लगना चाहिए, नहीं आएगा। सेंटेंस निगेटिव करना है इसलिए हमें ऑक्सिलरीज की आवश्यकता है, ऑक्सिलरी चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर निगेटिव वर्ड किसको चिपका है? मैं तो क्या ठंगा रहा है कमांड कहते सब्जेक्टला सेफ्टी बांधणार आहे, क्या ऑब्जेक्टच्या तोंडात टाकणार आहे ते निगेटिव वर्डला? नाही, ऑक्सिलरीज की आवश्यकता है ही है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरीज हमने डीड लिया, इधर में डीड लिया है, ठीक है, इसका इधर का जो है हेवी लोड है, ओवरलोड, उसको माइनस करना होता है। इधर में भी यहाँ पे डज लिया है इसलिए क्लोजेस होना चाहिए, नहीं क्लोज ही लिखा है, जो ओवरलोड है उसको झेलने के लिए अगर कोई सपोर्ट में मिलता है तो ये भी बोलेगा वो भी बोलेगा, ज्यादा हेवी नहीं, हल्की चीज है। पण तीच एक वस्तू एखाद्याच्याच डोसक्यावर उरावर मांडला तर तो म्हणते नाही गा बापू लई जोर झाली ना, कमी करणं जरशी कांदे, बाप म्हणते ने गजाडिया खासाठी जगून राहिला का, गजभर तर खाऊन राहिला काट भरून, हे थर्ड भरून तर खाऊन राहिला म्हणते बाबाजी, मग अर्धा अर्धी केला तर तेही म्हणते हलका आणि हे म्हणता हलका। तो वो करना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। सो रिया डिड नॉट क्लोज द डोर, नहीं किया था, डिड नॉट क्लोज द डोर। अब इसका ये कंटिन्यूअस में पास कंटिन्यूअस, रिया रिया was not closing the door, was not closing the door, was not closing the door, वो बंद नहीं कर रही थी, बंद नहीं कर रही थी, नव्हतीच करत बंद। हे बापाने थपाट्या लावल्यात मग हो दा बापू करतो ना का म्हणते, मग तुला सांगून राहिलं मुर्दाडे, थंडी येऊन राहिली वाटून राहिली, थंडी हवा येऊन राहिली, करणं बंद, हे बंद करत नव्हती, कारण सीप तुमच्या गलीमध्ये राहते ना, किले पाहू शकत नव्हती, काय करणार सिर्फ ते तिकडे गुन्ह्या राहते ना पलीकडच्या फाटतात ते। रिया वॉज नॉट क्लोजिंग द डोर, अब इसको पास परफेक्ट करना है, पास परफेक्ट कैसे करें? रिया रिया हैड नॉट क्लोज्ड, रिया हैड नॉट क्लोज्ड द डोर, had not closed the door। अब इसको ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। रिया had not been closing the door, closing the door। अब इसका सिंपल फीचर में बदलना है, सिंपल फीचर कैसे करें? रिया विल नॉट क्लोज द डोर, रिया विल नॉट क्लोज द डोर, विल नॉट क्लोज द डोर। अब उसके आगे रिया रिया विल, अब ये जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? बी आता है, बी तो कब विल बी नहीं, विल नॉट बी, और इतनी मजा का ये सजा दी छड़ी है, विल बी नॉट ना लिया है, ठीक है, विल नॉट बी, विल नॉट बी क्लोजिंग door, will not be closing the door। अब इसको परफेक्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट। रिया रिया will not, अब ये जो परफेक्ट टेंस होता है कौन सा वाला? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है? will have plus verb का थर्ड फॉर्म आता है, will have plus verb का थर्ड फॉर्म। तो इसमें निगेटिव वर्ड नॉट कहाँ पे फिट करेंगे? सब्जेक्ट विल बाद में नॉट आएगा और बाद में हैव आएगा, बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पे कंटिन्यूअस will not have been. Riya will not have been closing the window. Oh, sorry, it was. Riya will not have been closing the door. Riya will not have closed the door. देखो गिनती करते हैं तो पूरे के पूरे 12 कैंसर्स हो गए हैं। अरे वाह गुरुजी, काय जबरदस्त टेक्निक है वो। टेक्निकच सांगतो मी तुम्हाला, टेंशन घ्यायचं नाही। तो इस प्रकार से जो है एनी सेंटेंस निगेटिव में बदलकर लिखना है, मतलब निगेटिव सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग तो ये रहेगा उस वर्ड्स का सीक्वेंस इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस कि कहाँ पे नॉट आएगा और कब आएगा कब नहीं आएगा। आएगा यूज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑक्सिलरीज लेना पड़ता है, अगर प्रेजेंट है तो कौन सा ऑक्सिलरीज, पास्ट है तो कौन सा ऑक्सिलरीज, या फिर सिंपल पास्ट डिड नॉट क्लोज। स्टूडेंट्स ये पागलपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते। अरे बापू सेकंड फॉर्म, अरे सर जी तर मग ते सिंपल पास्ट आहे ना, तुम्ही शिकवले होते सिंपल पास्ट। अभी मुर्दाड्या मी सांगितलं होतं की सिंपल पास्ट मध्ये वर्बचा सेकंड फॉर्म लागते, पण कुठे लागते, अफर्मेटिव्ह मध्ये। अफर्मेटिव्ह मध्ये लागते, पण जर निगेटिव्ह करायचं असेल तर ऑक्सिलरी ठेवा लागते ना। आज सासरिया आज सासऱ्या मी ते सांगितलं होतं की जर निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करायचं असेल तर एक आपल्याला एक म्हणजे ऑक्सिलरीचा वापर करावा लागते आणि त्याला चिपकून जी आहे निगेटिव्ह वर्ड वापरावं लागते। आता पास्ट टेन्स साठी कौन सा वाला हमारा ऑक्सिलरीज यूज करेंगे, डीड का यूज करेंगे। तो डीड का यूज किया हमने, इसीलिए जो है जो मेन वर्ब है कौन सा वाला ये क्लोज, उसको सेकंड फॉर्म में नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है, समझे। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस हमें बनाने आने चाहिए।